योगा से ही होगा। तो इस विचार के साथ मैं पहुंच गया ऋषिकेश फॉर इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। कुछ अलग ही जादू है ऋषिकेश की हवा में, जाते ही मन शांत हो जाता है। सुबह सुबह उठ के पहले रन पर निकल पड़ा, फिर गंगा रिजॉर्ट पहुंचा जहां की काफी सारी योगा स्कूल्स ने जैसे कि ईशा फाउंडेशन, मानव धर्म, हार्टफुलनेस ने अपने योग शिविर लगाए हुए थे। योगा ने मुझे बचपन से ही फैसिनेट किया है, पर यहां लाफ्टर योगा और डांस मेडिटेशन करके मुझे अलग ही आनंद मिला। अगर आपको भी मौका मिले तो डोंट मिस इट। दिन भर माँ गंगा के किनारे बैठना, जब मौका मिले डुबकी लगाना और फिर थोड़ा योग करना। इन बच्चों से भी मिला जो कि हमें लगा कि चटनी आ रहे हैं, मगर उन्होंने कहा कि वो तो बस खेल खेल रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया कि आखिरी बार मैंने कब बस खेल खेला था। फिर शाम को हम गंगा आरती में शामिल हुए। माँ गंगा की आरती करके बहुत सुकून मिला। वहाँ से वापस आने का मन तो नहीं था, पर मन को किसी तरह मनाया और अगली सुबह नीर वाटरफॉल की हाइक पर निकल पड़े। काफी ऊपर पहुंचकर एक जगह मिली जहां वी हैड द एंटायर पूल टू आवरसेल्फ्स। बस वहीं डुबकी मार ली और चाय भी पी अपने स्टील के कप में। फिर शाम को हमने पांडवास का जैम सेशन अटेंड किया एंड इट वाज अ परफेक्ट एंडिंग टू आवर ऋषिकेश ट्रिप। ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। क्या आप आएंगे अगले साल?